सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। गाइज, आज की हमारी वीडियो होने वाली है आपके Instagram पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइज, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए गाइज, अगर आप Instagram यूज़र हैं और आप चाहते हैं किसी और की Instagram स्टोरी को देखना और आप चाहते हैं कि उसको पता भी ना लगे कि आपने उसकी Instagram स्टोरी को देखा है, तो गाइज इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ किस प्रकार आप दूसरे की स्टोरी भी देखेंगे लेकिन दूसरे को पता भी नहीं चलेगा। तो गाइज, आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और आपको बता देते हैं वह कौन सी ट्रिक है जिसके थ्रू गाइज आप दूसरे की Instagram स्टोरी को देख पाएंगे लेकिन दूसरे को पता भी नहीं चलेगा। जिस प्रकार मैंने यहाँ स्टोरी ये लगाई हुई है और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं सीन बाय, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो गाइज जिसने मेरी ये स्टोरी देखी है तो गाइज उन सभी के नाम यहाँ पर आ जाते हैं और मेरे को पता चल जाता है किसने मेरी स्टोरी देखी है। तो गाइज, आप चाहते हैं कि इस लिस्ट में आपका नाम ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए गाइज, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ईजी मेथड बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आ जाने के बाद गाइज आपको यहाँ ऊपर सर्च कर देना है Instagram स्टोरी व्यूअर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये सर्च करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको जो सेकंड नंबर वाली ये वेबसाइट्स हैं आपको जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, जो आपका यूजर नेम है जिसकी भी आप स्टोरी देखना चाहते हैं, तो गाइज आपको जो उसका यूजर नेम उसको कॉपी कर लेना है। जिस प्रकार से गाइज जो ये मेरा अकाउंट है Instagram का, मेरे को क्या करना है, जो ये मेरा ऊपर वाला यूजर नेम है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर गाइज मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। आपको किसी दूसरे बंदे का यहाँ पर यूजर नेम डाल देना है जिसकी आपको यहाँ स्टोरी देखनी है और यहाँ से आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। और गाइज ये जो ट्रिक है ये उन्हीं अकाउंट्स पर वर्क करेगी जिनके अकाउंट प्राइवेट नहीं हैं, पब्लिक हैं। तो गाइज इसी प्रकार देखिए, जैसे आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर ये वो मेरी फ़ोटो शो हो जाती है। अब देखिए, ये मैंने स्टोरी लगाई हुई थी। अगर आप पोस्ट देखना चाहते हैं तो गाइज आप यहाँ से पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो गाइज आपको कुछ समय का वेट करना पड़ेगा और नीचे यहाँ पर जो भी आपने पोस्ट डाली हुई है वो यहाँ पर आ जाती हैं। देखिए गाइज, ये सभी वो पोस्ट आ चुकी हैं, वो रील्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो मैंने यहाँ पर डाली हुई हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ से किसी भी स्टोरी को सेव करना या किसी पोस्ट या किसी रील को सेव करना तो गाइज वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइज आज वाली इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको जस्ट इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी ये ट्रिक पसंद आई और ये आपको वर्किंग लगी या गाइज इससे आपकी कोई हेल्प होती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना। तो गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।